दरगाह कमेटी के कर्मचारी सरताज खान ने की खुदकुशी। परिजनों ने दरगाह कमेटी के अधिकारियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। दरगाह कमेटी में काम करने वाले कर्मचारी सरताज खान ने दरगाह कमेटी अधिकारियों से परेशान होकर अपने निवास पर पंखे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सरताज खान ने फांसी लगाने से पहले दरगाह कमेटी के दो अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में लिखकर फांसी लगाई। सुसाइड नोट में दरगाह कमेटी के अधिकारियों द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यासिर चिश्ती अपनी टीम के साथ गंज थाने पहुंचे, जहां दरगाह कमेटी के अधिकारी अजीज खान और जावेद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यासिर चिश्ती ने कहा कि सरताज खान का आज जन्मदिन भी था और आज दरगाह कमेटी के अधिकारियों द्वारा परेशान करने पर उसने फांसी लगाई। यासिर ने कहा कि दरगाह कमेटी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उत्पीड़न करती है, यहाँ तक कि इनकी सैलरी भी रोक दी जाती है। जो कर्मचारी दरगाह कमेटी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यासिर ने कहा कि जब तक अजीज और जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक लाश नहीं उठाई जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दरगाह कमेटी के अंदर एक कर्मचारी थे सरताज खान, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। आज उनका जन्मदिन भी था। पिछले कुछ वक्त से दरगाह कमेटी के अंदर कुछ अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि नीचे तबके के जो लोग हैं, जो बेचारे कर्मचारी लेवल पर जो लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इस व्यक्ति जो सरताज है, इसने कई बार आकर के इस बात की शिकायत करी कि मेरी सैलरी रोक दी जाती है, मुझे मारा जाता है। मैं कभी भी कोई इस चीज़ के अंदर, जहां इनकी गलती है कुछ भी है, अगर वहां पे इनकी बात नहीं मानी जाती है तो वहां पे ये कर्मचारियों के साथ में इतना बदसलूकी की जाती है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा सरताज खान ने, जिसका इस FIR में जिक्र भी है। इस सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने अजीज़ बाबू और जावेद खान, इन दो व्यक्तियों का नाम लिया है, जिसके अंदर लगातार जो जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है इस व्यक्ति का, कभी इसको काम के नाम पे दूर दूर भेज दिया जाता है, कभी इसकी सैलरी रोक दी जाती है। जो दरगाह कमेटी में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि दरगाह कमेटी के अंदर कई ऐसे मामले हैं जो लगातार जो पैसों की इनकमिंग आउटगोइंग होती है वहाँ पर, वो मामला हिडन रखा जाता है। अगर वो किसी कर्मचारी के कान तक आ जाती है तो वो उसे यहाँ से उठा करके कहीं दूर भेज दिया जाता है। हो सकता है, मुझे ऐसा शक है कि इस मामले के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला है कि कुछ जो इसके अंदर दरगाह कमेटी के अंदर घपले में या किसी चीज़ के अंदर कुछ लोग जो शामिल हैं, वो अपनी बातों को दबाने और छुपाने के लिए नीचे के कर्मचारियों को परेशान कर दिया जाता है। और अभी कुछ वक्त पहले भी देखा गया है दरगाह शरीफ के अंदर, जिस तरीके से बदजनावर, जिसको सुअर बोला जाता है, वो अंदर घुस गया था, उसके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। दरगाह कमेटी के इन्हीं अधिकारियों ने, जिस व्यक्ति ने, जो इनका कर्मचारी था, जिस व्यक्ति ने वो सुअर पकड़ा, उसी को ही उठा के इन्होंने सस्पेंड कर दिया। इस चीज़ के ऊपर मैंने उस वक्त भी विरोध किया था कि कर्मचारियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इस तरीके की क्यों ये लोग परेशान किया जाता है, या कुछ भी मामला आता है अधिकारी अपने ऊपर से उठा करके छोटे कर्मचारी के ऊपर डाल करके उसको बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लगातार ये जो घटनाएँ हो रही हैं, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस चीज़ का विरोध करता हूँ। और दरगाह, चाहे दरगाह कमेटी हो या किसी भी जगह हो, अगर गरीबों के साथ में इस तरीके की कोई घटना होती है, हम लोग पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। और इस मामले के अंदर हम जब तक लाश नहीं उठाएंगे, जब तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, अजीज़ बाबू को और जावेद को, जब तक इस मामले के अंदर हम लोग लाश नहीं उठाएंगे। और अगर इस चीज़ के अंदर, अगर क्योंकि इसके अंदर बता रहे कि एक जो इस घटना में लिप्त है उसके कोई रिलेटिव है, शायद वो पुलिस में ही है, अगर इस मामले के अंदर किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की जाती है या इनके परिजनों को दबाया जाता है, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस बात का खुलेआम मैं बात करता हूँ, इस मामले के अंदर चुपचाप नहीं बैठेंगे। मेरी टीम और मेरा संगठन इस बात के अंदर पूरी ऊपर तक आवाज़ उठाएगा।